आप सभी लोगों से एक 65 वर्षीय महिला सबरुनिसा कल सुबह घर से निकली थी भाजी लेने के लिए और भाजी लेकर घर नहीं लौटी। 24 घंटे बीत जाने के बाद घर वालों ने मुमरा के सभी जगहों पर खोज की, मगर खोज करने के बावजूद भी वो कहीं नहीं मिली। सबरुनिसा 65 साल की महिला ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। जिस किसी को भी ये महिला दिखे या मिले, आप इस नंबर पर संपर्क करें। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, सुनिए बेटे की अपील। ये मेरी अम्मी है, इनका नाम सबरुनिसा है, उम्र 65 साल है। ये कल सुबह 10 बजे मित्रगण भाजी लेने गए थे, उसके बाद से लौटे ही नहीं। 30 तारीख से है, अगर आप लोग किसी को मिलते हैं तो मेहरबानी करके इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए। कभी कभी कैसा होता है कि घर में कभी तू मैं हो जाती है, तो घंटा दो घंटे के रिश्तेदार के बैठते फिर आ जाते। मेरे साथ पहली बार हुआ है कि ये गए हैं तो पूरी दिन और पूरा रात निकल गया, अब तक नहीं आए। हम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करके आए। आप लोग में अगर किसी को मिले तो बराए मेहरबानी हमें मेहरबानी करके कॉन्टेक्ट करिए। ये ग्रीन कलर की ड्रेस पहन के निकले थे कल। नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पिछले दिनों आयोजित हुए तबलीगी जमात में शामिल कई लोगों को कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जानकारी मिली है कि तबलीगी मरकज में शामिल होने के लिए मलेशिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका समेत दर्जन भर देशों से लोग आए थे। वहीं मरकज में हरियाणा, बिहार और पंजाब समेत 20 राज्यों से 1830 लोग शामिल हुए थे। वहीं मरकज की तरफ से अपने बचाव में दलील दी गई है कि उन्होंने लॉकडाउन के निर्देश मिलने के फौरन बाद ही तकरीबन 1500 लोगों को मरकज से रवाना करवा दिया था और बाकी लोगों की मूवमेंट के लिए कुछ गाड़ियों की लिस्ट पुलिस को दी थी ताकि उनकी परमिशन हो सके। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अब तक 1034 लोगों को निकाल कर अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया है। 334 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 700 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। इसके लिए बसों के 34 चक्कर लगाए गए। भीड़ में शामिल 34 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया है। अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कहा है, सुनिए। 330 लोकल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-335 लोगों को अस्पताल में किया गया, बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है और उसके बाद दोपहर तक सभी लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा। कितने पॉजिटिव केस मिले हैं? पॉजिटिव केस इसमें टोटल 24 लोगों के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। अच्छा। जो कि मरकज यहाँ पर ठहरे हुए थे, तो अब तक 24 हैं। सर कितने लोग थे वहाँ पे, मतलब सरकार को क्या ऐसा अंदाजा है कि एग्जैक्ट नंबर तो अभी भी नहीं है, जब बाहर निकलेंगे तभी पता लगेगा। अंदाजा है कि 1500-1600-1700 लोग रहे होंगे। कितने बताया कितने अभी तक निकाल चुके हैं? 1033 लोगों को कल रात से लेकर अब सुबह तक एवैक्यूएट किया जा चुका है, जिसमें से 334 लोगों को अस्पताल भेजा गया है और 700 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर। सर एक सवाल ये उठ रहा है कि जो मरकज की तरफ से कहा जा रहा है वो ये है कि हम लगातार डीएम एसडीएम के भी संपर्क में थे, तो इतना समय कैसे लग गया? अगर डीएम देखिएगा, दिल्ली सरकार को जैसे इसकी सूचना मिली, पहले शायद कुछ 5 या 6 लोगों की तबीयत खराब जो अनुमान के रहने वाले थे, RML में उनको एडमिट कराया गया था। 3 दिन पहले शायद वो पॉजिटिव आए हैं रात के टाइम, तो परसों हमें बताया गया कि भी यहाँ पर 6-7 पे केस पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद से हमारी टीमें वहाँ पर बाहर बैठा दी गई, अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया उन्होंने। तो हमने जितने भी लोग थे परसों से शिफ्ट कर रहे हैं, 100 के करीब लोगों को परसों किया गया, कल से रात से लेकर अब तक 334 लोगों को और अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है और 700-750 लोगों को हमने क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट किया है। तो सभी लोगों को किया जा रहा है, परंतु जो आयोजक हैं, मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने बहुत ही घोर अपराध की श्रेणी में काम किया है। दिल्ली के अंदर डिजास्टर, पूरे देश में डिजास्टर एक्ट लागू था, दिल्ली के अंदर कंटीजियस डिजीज एक्ट भी लागू था और 5 लोगों से ज़्यादा का कंजेशन और कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। सरकार ने, मैंने खुद लिख के भेजा LG साहब को कि इनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको बख्शा ना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया है, एक साथ इतने सारे लोग हैं, अगर तबीयत खराब हो रही है उन्होंने छुपाया, उसको बताया नहीं है,
तो इस तरह से लोगों के अंदर बड़ी एक गलत काम किया लोगों ने। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ एफआईआर के आदेश दिए? जी दे दिए, आदेश दे दिए। और सर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को भी केंद्र सरकार ने अलाउ नहीं किया है। अच्छा, बाकी तीन जगह भेजा गया। सर एक सवाल ये था कि जब इतने लोग यहाँ थे और पहले ही दिल्ली सरकार ने कह दिया था कि 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तो लोकल प्रशासन ने इसकी जानकारी क्या राज्य सरकार को नहीं दी थी? ऐसा कोई हमारी जानकारी में संज्ञान में नहीं आया कि कोई भी ऐसा कोई फंक्शन किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे को दो दिन पहले की रात को पता लगा कि 6 लोग पॉजिटिव आरएलएम में आए। उसके बाद से हम लोगों ने तुरंत सबको इवैक्यूएट करने का प्रोसेस किया है। इवैक्यूएशन में मैं बता देता हूँ, जब एक एक आदमी को स्क्रीन किया जाता है, डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, कई टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं, एक एक को चेक कर रहे हैं, किसी को लगता है तबियत खराब है तो उसे अस्पताल भेजते हैं, बाकी क्वारंटाइन सेंटर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।